नमस्कार दोस्तों, देखिए वो तीन पहाड़ी है और ये हम इस समय सात पहाड़ी पर चल रहे हैं। बालाजी मंदिर है सात पहाड़ी पे। ये बालाजी महाराज का मंदिर है, ये सात पहाड़ी, लेकिन एक ही गलत काम है यहाँ पे कि रास्ता सही नहीं बनाया हुआ है इन लोगों ने। रास्ता कम से सही बना देना था सात पहाड़ी के लिए, और ना लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर अंधेरा हो गया तो कम एक लोगों से होटल का काम तो होगा, एक लोग बैठ जाएंगे तो चुप रहो, तुमको होटल के काम। हाँ सात पहाड़ी के लिए पानी की पाइप तो ये गई हुई, देख लो ये जा रही है पानी की लाइन। पहाड़ बहुत है लेकिन यहाँ पे देखो चाहो तो पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। राजस्थान में राजस्थान पहाड़ों का ही इलाका ज़्यादा है। दोस्तों आप लोग देखिए, आप लोगों को चारों तरफ यहाँ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे होंगे। ये पानी की पाइपलाइन आई हुई है सात पहाड़ी के लिए, देखिए जा रही है। कितनी कठिन चढ़ान है फिर भी हम हार मानने वाले नहीं है, हम लोग चढ़ेंगे और उतरेंगे भी, देख के आएंगे आज सात पहाड़ी भी। आप लोग भी हमारे साथ देखिए। मानता बहुत है ना बालाजी की, वो तो वापिस जाएगी, क्या करें, वो सब सोच रहे होंगे कहाँ जाए। मेरे ख्याल सरकार भी नहीं चाह रही होगी यहाँ रास्ता बने, रास्ता बनाना चाहिए इनको, सरकार को एक काम चलाओ रास्ता बनाना चाहिए इनको। हैं काम चलाओ तो बना रखा नहीं, नहीं वैसे काम चलाओ इसको नहीं बोलते, वो जिसमें वो लगा दें पकड़ने का, इंसान पकड़ के चढ़े पकड़ के उतरे तो ग्रिल लगा देना, मान लो इस पर टॉल पत्थर ना लगाए घेर लगा दें। उस पर गए थे, हाँ उस पर गए थे तीन पहाड़ी पे। सही बात है, खड़ी चढ़ान थकावपन ज़्यादा देती है। हाँ। देखिए दोस्तों हम लोग अभी आधे रास्ते पे पहुँचे हुए हैं, अभी आधा रास्ते में सफ़र करना है। अभी आप रास्ता देखिए कैसे है, उबड़ खाबड़ है बिल्कुल, रास्ता ऐसा है कि इसमें चला नहीं जा सकता है, और लौटते समय तो लोग फिसल भी सकते हैं, ऐसा रास्ता है। थोड़ा रास्ता सही होना चाहिए दोस्तों, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो पर। फिर भी भगवान के दर्शन के लिए कष्ट तो सहना ही पड़ता है। ये लोग आ रहे हैं, दोस्तों दिल्ली से जो जयपुर के लिए हाईवे गया वो भी यहाँ दिख रहा है सात पहाड़ी से, वो दौसा होते हुए जो बालाजी मंदिर है उसका आधा पार्ट दौसा डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, और आधा पार्ट किरौली में है। बादल भी आ चुके हैं, देखिए हम तीन पहाड़ी से ऊपर चढ़ चुके हैं लमसम ना, लंबाई में हाइट में तीन हाइट में तो तीन पहाड़ी ज़्यादा ऊंची हो गई है चोटी। वो है देखो वो वहाँ पे जहाँ वो है उसके आगे है मेन रोड, जो हाईवे अपन दिल्ली वाला जयपुर के लिए। भाई क्या है, घाटी और पहाड़ी यहाँ से ऊपर यहाँ पे पत्थर ही कटे हैं जो ऊपर टेढ़े भरे हैं।
दोस्तों सात पहाड़ी की चढ़ाई देखिए आप कैसे बना रखी है लोगों ने। पत्थर नुकीले से निकले हुए हैं। ये आ गए हम, देखो लग कह रहे थे बहुत दूर है। शीशनाग बाग मंदिर वाह क्या बात, वाह क्या नजारा है पहाड़ से, पहाड़ ही पहाड़ दोस्तों। कभी आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, नहीं देखा हो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। 151 फीट की लंबी मूर्त हनुमान जी की, तीन पहाड़ उसके बाद सात पहाड़ पर हम चढ़ रुक रहे हैं और मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं दोस्तों। ये मंदिर देख लीजिए आप, शेषनाग बाबा का मंदिर है। शेषनाग बाबा का मंदिर और नागफनी के पेड़ ढेर सारे यहाँ पे। मतलब पहला पहाड़ ये है, अच्छा एक मंदिर ये है, ऐसे ही छह मंदिर और आ गया है। अच्छा अच्छा कहाँ तक लास्ट कहाँ है? रात में 9-10 बजे। नहीं नहीं कहाँ कहाँ पे लास्ट है? लाल वाली दो, पहली वाली जो मतलब लास्ट जो बीच में घाटी उससे पहले वाला पहाड़। अरे बहुत लंबा है, ये तो रास्ता नहीं सही है, रास्ता बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। ये सबसे समस्या है, सब हाफ आई ही है। पहले जीना होता तो कोई दिक्कत नहीं, जीना होता व्यवस्था राइन पानी का व्यवस्था हो। अरे कम से कम वो बनाना था इनको, ग्रिल तो लगा देते, वही बहुत था मालो जीने थे। बनेगा भैया ना, अब ये रास्ता मजे मजे साल दो साल के अंदर सब कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत आपके सही है। अच्छा पहले से बहुत अच्छा है भैया ना, ना हिसाब से निकला जात रहा। अच्छा 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 सातवीं पहाड़ी लास्ट में वो वाली है जो लास्ट में चोटी है, हाँ जो छोटी चोटी से ऊपर वो चोटी है वो वाली है। या ऐसे ऐसे पहाड़ से पहाड़ पहाड़ तो वहाँ तक जाना है, सातवीं पहाड़ी तक। सब रास्ता नहीं है ऐसे है सलाह कोई के, ये तो यह चौड़ा आप देख रहे हो ना भैया, बता रहे हैं आगे एकदम पातर हो जाएगा। अच्छा खुद बोलते हैं नींद मत जाइए। अच्छा अच्छा जैसे ये पतला रास्ता ये देखो ये ऐसा ही रास्ता है आगे जाके। अच्छा पतला है इसी वजह दोस्तों एक पहाड़ी तो हम पहुंच चुके हैं और तीन पहाड़ी से ज़्यादा इसकी हाइट हो चुकी है। आप देखिए पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पे। पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पे। सात पहाड़ी बता रहे हैं सब उधर है, मैं तो सोचा इधर है। वाह है? हाँ कह ही रहे हैं तो क्या फायदा है? इधर तो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, इधर तो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया है। मंदिर तो वो वहाँ भी बना रखा है एक, वो देखो उधर भी इस पे भी मंदिर बना रखा है। यानी कि सात पहाड़ी मंदिर यही है, ऐसे घूमता है। उधर को गया वो ना, उधर को, इधर को नहीं, हाँ उधर को ही है जंगल साइड को। और कैसे रेता लग रहा है ना, ये रेता ही ना बिल्कुल। दोस्तों देखिए इसी को बोलते हैं बालाजी घाटी। बालाजी घाटी में बालाजी हम हैं दोस्तों। बाकी अच्छा वो मंदिर है, उसी मंदिर तो बोल रहे थे, कितना वीआईपी मंदिर बना हुआ है। अब दिखा
वो देखो जहाँ हम लोग रुके हुए ना जिस धर्मशाला में, उससे आगे देखो कितना अच्छा मंदिर बना हुआ रखा, वो देखो वाह क्या मंदिर है। मेन रोड पे ही है, दोस्तों एक अंजनी माता का मंदिर ये भी है जिसको मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। सात पहाड़ी के लिए इतनी जो आपको पत्थरों की पगडंडी दिख रही है, इतनी पतली पगडंडी है दोस्तों, इसलिए जाना संभव नहीं होगा। हम पहली पहाड़ी पे पहले शेषनाग मंदिर में अभी हैं जिसमें पूजा अर्चना चल रही है। आप पहाड़ियों का दर्शन हमारे इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम देख सकते हैं दोस्तों। इधर से क्या नीचे तो नहीं गया क्या? इधर से भी नीचे उतरने का है क्या? ये कहाँ उतारेगा? नहीं नहीं तो उतारेगा कहाँ? ये बालाजी मंदिर के पहले उतारेगा क्या? हम लोग उतर सकते हैं? नहीं उतर सकते हैं, चलो आओ तो फिर थोड़ी देर फिर चलते हैं। अब आए हैं तो फिर वहीं चले हम लोग बच्चों को लेके, वो तो बगल में ही दादू नहीं हो तो है। देखो हम लोगों का बस वहाँ रुकी है, वो देखो वहाँ पे है, वहाँ से 100 मीटर 200 मीटर है आगे बस कहाँ रुकी है? अरे ये मैदानता होटल है ना, इसके आगे है। हाँ इसके आगे है, वो उसका दिख रहा है छत, वो दिख रही है चद्दर है, दिख रहा है आपको चद्दर? चद्दर से पहले छत है। वाह भाई राजस्थान, वाह क्या बात है राजस्थान की। इन लोगों ने यहाँ भी घर बना रखा देखो, चले फिर उतरे। हाँ उधर से उतरेंगे फिर, उधर थोड़ा जल्दी होगा तो और क्या। श्री शेषनाग मंदिर नंबर वन, पहला पहाड़ श्री शेषनाग मंदिर, पहला पहाड़ बालाजी, सातवां पहाड़ दोस्तों देख सकते हो वहाँ पे है। अब वहाँ पे जाना असंभव है जी, बिल्कुल असंभव नहीं है, जाया जा सकता है लेकिन इसके लिए सुबह से ही चढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि पहला पहाड़ तो हम चढ़ गया है, दूसरा पहाड़ ये दिख रहा है, तीसरा पहाड़ चौथे करते चौथा पाँचवा छठा सातवां पहाड़ वहाँ से जाना है, अंधेरा और रखा दोस्तों, इतनी पतली पगडंडी पर चलना पड़ेगा और अंधेरा अब बढ़ने वाला दोस्तों। ये देखिए राजस्थान का रेता पहाड़ों के बीच में रहता, आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे दीदी आपके होटल वेदांता आपको दिख रहा होगा दोस्तों, उसके बगल में राधा कृष्ण धर्मशाला जहाँ हम लोग रुके हुए दोस्तों, घाटी दोस्तों। दोस्तों आगे एक मंदिर कितना प्यारा सा लग रहा है, हम उसके दर्शन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों अभी चल के। थैंक यू सो मच, जय शेषनाग बाबा की। उस वाले रास्ते से जय बालाजी महाराज की, जय बालाजी घाटी। बजरंग बलि की बड़ी से बड़ी मूर्त दोस्तों,
अच्छा कमल बना रहे हैं, वो दिख गया समाधि वाले बाबा, वो है समाधि वाले बाबा का, देखो ना उसमें कमल बना रहे, कमल अभी इसलिए उसको बंद कर रखा ना समाधि वाले बाबा को दोस्तों।